हेलो एवरीवन, आज हम पी ब्लॉक में ग्रुप 17 में फ्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो फ्लोरीन को हम दो मेथड से प्रिपेयर करते हैं। एक तो होती है हमारी ओल्ड मेथड, जिसको कि हम मॉइजन मेथड बोलते हैं, और दूसरी होती है मॉडर्न मेथड। दोनों में कुछ विशेष डिफरेंस है नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओल्ड मेथड को कि हमारा ओल्ड मेथड जो है वो क्या कहलाता है। तो ओल्ड मेथड में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट टैंक होता है वो आपका यूट्यूब होता है, यू-शेप टैंक होता है। इसमें हम प्लेटिनम इरिडियम के एनोड और कैथोड जो है वो लगा देते हैं। तो ये तो हमारा पॉजिटिव प्लेट हुई, ये हमारी नेगेटिव प्लेट हुई। तो ये तो हमारा बनेगा एनोड और ये वाली प्लेट बनेगी कैथोड। तो प्लेटिनम इरिडियम जो एलॉय है उसका एनोड लेना है, उसी का हमें कैथोड लेना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो है वो भी प्लेटिनम इरिडियम से बना होना चाहिए। अगर अकेला प्लेटिनम से बना है तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो प्लेटिनम से डायरेक्ट कट जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो एनहाइड्रस केएफ और एचएफ का मिक्सचर होता है। ये 1:20 का मिक्सचर है, याद रखना। यहाँ पे वाटर जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके इलेक्ट्रोलाइट कैसे होने चाहिए? एनहाइड्रस होने चाहिए। अगर थोड़ा भी वाटर प्रेजेंट है तो फिर फ्लोरीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो देखो जरा। जो KF और HF है तो कहीं कहीं इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐसा लिखा रहता है KHF2, ऐसा लिखा रहता है। और ये हमारा आयनाइज होगा, भाई ये तो आयनाइज होगा K पॉजिटिव F नेगेटिव, ये आयनाइज होगा H पॉजिटिव F नेगेटिव में। तो KHF2 जो है वो आयनाइज होता है K पॉजिटिव H पॉजिटिव एंड 2F नेगेटिव। वही चीज है ना, दो F नेगेटिव ये हैं, एक H पॉजिटिव और एक K पॉजिटिव, वही लिखा हुआ है। तो एनोड रिएक्शन होगी क्या? एनोड चूंकि हमारी पॉजिटिव प्लेट है तो यहां पे क्या जाएगा? नेगेटिव आयन जाएगा। तो नेगेटिव आयन तो हमको एक ही नजर आ रहा है, फ्लोरीन नेगेटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या होगा? F बनेगा। और दो फ्लोरीन के एटम मिलकर क्या बनाते हैं? F2 बनाते हैं। तो ये हमारी एनोड रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, जो आयन है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, आयन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जो हमारी कैथोड रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? अब देखो यहां पे दो आयन हैं, H पॉजिटिव K पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव आयन में से कोई एक आयन ही डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, से H बनेगा, और दो हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बनाते हैं? H2। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे रिलीज हो जाएगी। तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एनोड पे जो है वो फ्लोरीन बनेगा। तो फ्लोरीन गैस एनोड पे, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे रिलीज होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि के पॉजिटिव जो है वो डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको पता है कि पोटेशियम मेटल होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होगी? वीक होगी। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो वीक होती है एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी जो है वो हाई होगी एच कंपेयर टू पोटेशियम, इसलिए यहां पे हाइड्रोजन आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा। तो ये हमारी ओल्ड मेथड हो गई। ये मेथड जो है वो मॉइजन ने दी थी। मॉइजन को उनके कार्य के लिए 1906 में जो है वो नोबल प्राइज मिला। चल इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि मतलब फ्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया और मॉइजन को जो है वो नोबल प्राइज मिल गया। तो क्या फ्लोरीन का फॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ी बात है क्या, जिसके लिए हम नोबल प्राइज भी दे सकते हैं किसी को? तो बिल्कुल यही है, फ्लोरीन का फॉर्मेशन जो है वो अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि फ्लोरीन के फॉर्मेशन में हमको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो वो डिफिकल्टीज जो है वो क्या क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्लोरीन के आइसोलेशन में जो पहली डिफिकल्टीज है वो है एक्सट्रीम रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन।
क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, इस कारण फ्लोरीन जो है वो आयरन से रिएक्ट कर जाता है, प्लेटिनम से रिएक्ट कर जाता है, ग्रेफाइट से रिएक्ट कर जाता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू फ्लोरीन बनाना है तो मुश्किल ये आती थी कि हम इलेक्ट्रोड किसका लें। जनरली इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम ग्रेफाइट के लिए जाते हैं, लेकिन फ्लोरीन तो उनसे रिएक्ट कर जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक किसका बनाया जाए, आयरन का बनाया जाए तो फ्लोरीन तो आयरन से भी रिएक्ट कर जाता है। कांच का बनाया जाए तो फ्लोरीन जो है वो ग्लास से भी रिएक्ट कर जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू फ्लोरीन बनाने में बहुत डिफिकल्टी आती थी कि हम इलेक्ट्रोड किसका बनाएं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक किसका बनाएं। जो हमारी सेकंड डिफिकल्टीज थी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोई भी स्पीसीज ऐसी नहीं है जो फ्लोराइड आयन को फ्लोरीन में कन्वर्ट कर सके। मतलब फ्लोराइड आयन से कोई भी स्पीसीज रिएक्ट करे और फ्लोरीन बना ले तो ऐसी रिएक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है। ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने KF एक्वस सॉल्यूशन क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो हमें क्या लिखना पड़ता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन डिस्प्लेस ही नहीं हो सकता, उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर थर्ड है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लें तो इलेक्ट्रोलाइट तो जनरली HF लिया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो लेना होता है। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, जो हमारी फोर्थ डिफिकल्टीज है, तो एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो वहां पे तो फ्लोरीन की जगह ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। और अगर आपने कहा कि हम एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की जगह तो ऑक्सीजन गैस निकल गई, तो आपने कहा कि अब हम एनहाइड्रस HF लेंगे, तो एनहाइड्रस HF जो है उसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, जिस कारण वो आयनाइज नहीं होता, इसलिए वो नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। तो HF जो है वो अनआयनाइज्ड रहता है जब वो एनहाइड्रस होता है। तो ये तमाम सारी डिफिकल्टीज जो है वो फ्लोरीन के आइसोलेशन में आती हैं। तो जो हमारे मोइजन है उन्होंने इन सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम किया और फ्लोरीन का आइसोलेशन किया। इसी कारण मोइजन को 1906 में नोबल प्राइज मिला। तो अब आप समझ गए कि मोइजन को जो है वो नोबल प्राइज क्यों दिया गया। इसके बाद हमारी सेकेंड मेथड है मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड और ओल्ड मेथड में एक ही डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं KHF2, जिसको कि हम फर्मिंग सॉल्ट बोलते हैं, ये हमारा मिक्सचर होता है HF प्लस KF का, ये 20:1 में लिया जाता है। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस है कुछ डिजाइनर सेल में कराया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड। तो वो सेल आपका डेनिश सेल हो सकता है, वो आपका व्हाइट ब्लड सेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम एनोड जो है वो मोनल मेटल लेते हैं, ये कॉम्पोजिशन होता है निकेल आयरन कॉपर का। तो इसको हमें याद कैसे रखना है, मोनल मतलब मोना, एक लड़की का नाम है, मोना निकली फेकू, मोना निकली फेकू, तो ये हमारे मोनल मेटल के कंपोजिशन हो गए। कैथोड भी मोनल मेटल का बनाया जाएगा और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है वो भी आप मोनल मेटल का ही बनाओगे। इलेक्ट्रोलाइट हमें एनहाइड्रस HF और KF का मिक्सचर लेना है, 20:1 में लेना है। तो ये KHF2 ये इस मिक्सचर का सॉल्ट होता है, जिसको कि हम फर्मिंग सॉल्ट बोलते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता ऐसे है, जो हमारा KHF2 होता है वो अप्रॉक्स 7 से 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आयनाइज हो जाता है, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड 2F नेगेटिव। जो हमारी एनोड रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, फ्लोराइड आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो F2 बनाएगा। तो दो फ्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन निकाल के F2 बनाता है। और जो हमारी कैथोड रिएक्शन होती है
उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो हमारी एनोड पे फ्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये हमारा फ्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।